वेलिंगटन टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया चमत्कार की उम्मीद लेकर मैदान में उतरी, लेकिन ये उम्मीद को धूमिल होने में 8 गेंदें भी नहीं लगी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो उप कप्तान हैं, विदेशी मैदान पर उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वो तुरंत चलते बने। एक झटका काफ़ी ही नहीं था, अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद ठीक सात गेंद बाद हनुमा विहारी जो नॉट आउट बैट्समैन थे, रात भर उन्होंने पिछले दिन तीसरे दिन बहुत ज़बरदस्त साथ दिया था अजिंक्य रहाणे का, वो भी चलते बने, टीम साउथ ने उन्हें आउट किया। ये 2 विकेट काफ़ी नहीं थे, इसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन आर अश्विन के नाम टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड है, अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन वो भी 4 ओवर बाद बिहारी के आउट होने के 4 ओवर बाद वो भी चलते बने। यानी दिन की जो शुरुआत हुई तो पहले 40 गेंदों के अंदर ही टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट जो है वो गंवा दिए, और यहीं से एक तरह से देखा जाए टेस्ट मैच का जो है नतीजा जो है वो तय हो गया। टेस्ट मैच का नतीजा तो पहले ही तय था, लेकिन ये था कि चौथे दिन मैच खत्म होगा या 5वें दिन, लेकिन इस 3 विकेट के बाद ये हो गया कि भाई इसी सत्र में यानी पहले सत्र में ही मैच का नतीजा खत्म हो जाएगा। ये अलग बात है कि ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ थोड़ी सी बल्लेबाजी करने की कोशिश की और टीम इंडिया को जो पारी की हार है उससे बचाने की कोशिश की, और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, जिसका उन्होंने बहुत ही आसानी से पीछा किया। 10 विकेट की एक तरह से देखा जाए करारी हार टीम इंडिया को मिली। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ही, जहां पर आपको वापसी करने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, टीम इंडिया 0-1 से पीछे चली गई है। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, इससे पहले जो वनडे सीरीज हुई है वहाँ से टीम इंडिया 3-0 से हार कर आई है, और T20 सीरीज में टीम इंडिया थोड़ी सी भाग्यशाली रही थी, इसके चलते वो T20 सीरीज जीते थे, लेकिन इस मैच में देखा जाए तो टीम इंडिया को भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिला। और जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए मायूसी टीम इंडिया को ही होगी, जिस तरह से उन्होंने टीम सऊदी को खेला। टीम सऊदी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम सऊदी को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हैं टेस्ट मैच में। इस मैच से पहले 270 विकेट है टीम सऊदी के, और विराट कोहली को उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट किया है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेंट बोल्ट और सऊदी की जोड़ी का जवाब इनके पास नहीं था, और हालांकि टीम सऊदी मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन एक और खिलाड़ी जिसको शायद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा सकता था वो थे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इतने मुश्किल विकेट पे, जहां पर चारों दिन अगर आप देखा जाए गेंदबाजों के लिए हर समय मौका था, और इस विकेट पर शायद ऐसी बल्लेबाजी करनी थी जहां पर आप अपने स्ट्रोक्स के लिए जाते, और वो काम विलियमसन ने दिखाया था। विलियमसन सिर्फ 11 रनों के चलते अपने शतक से चूके थे, और ये जो पारी उन्होंने खेली बेशकीमती पारी रही है, और शायद ऐसी ही एक बड़ी पारी की उम्मीद टीम इंडिया को थी जो टीम इंडिया को मिली नहीं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए ये चौथे दिन जो लंच से पहले टीम इंडिया हारी, करारी हारा रही है, ये टीम इंडिया की साख से मेल नहीं खाती। ये टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी, उन्हें अपने पहले टेस्ट चैंपियनशिप में पहली हार का सामना करना पड़ा, पिछले 7 मैच लगातार जीत के आ रहे थे, वो सिलसिला टूट गया। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी जमीन पर अगर आप देखा जाए ये टीम साउथ अफ्रीका में सीरीज हारी है, ये टीम इंग्लैंड में सीरीज हारी है, आप कह सकते हैं कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जीती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसमें सबसे मजबूत टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड में ये टीम 2009 के बाद सीरीज नहीं जीती है, और अब सीरीज जीतने का मौका चला गया। बहुत ज़्यादा टीम इंडिया क्या कर सकती है, बराबरी कर सकती है, और यही इस हार की सबसे ज़्यादा कचोटने वाली बात है।